यह है फिश जिसको देखने के बाद आपको अपने पेरेंट्स स्पेशली फादर पर प्यार आने लगेगा क्योंकि ये मेल जॉ फिश दुनिया के मोस्ट केयरिंग फादर्स में से एक है क्योंकि मेटिंग के बाद जब फीमेल जॉ फिश अंडे देती है तो ये उनको शिकारियों से बचाने के लिए अपने मुंह में रख लेता है ताकि कोई भी शिकारी इन अंडो को नुकसान न पहुंचा सके अंडो में से ऑलमोस्ट बच्चे निकलने में टोटल दस दिन का वक्त लगता है इन पूरे दस दिनों में ये अंडो की बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं जिनमें ये अपने मुंह में मौजूद एक मेम्ब्रेन के जरिए और कभी अपने फिंस के थ्रू अंडो को ऑक्सीजनेट करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अंडे सूखकर खराब ना हो जाए और अब सुने सबसे कमाल की बात ये पूरे दस दिनों तक जब तक अंडो की देखभाल करते रहते हैं खाना तक नहीं खाते जिसकी वजह से कुछ फादर जॉफिश अंडो में से बच्चे निकलने के बाद कमजोरी की वजह से मारे जाते हैं लेकिन आपको बता दो नेचर ने इनकी इस कमजोरी का इलाज भी पहले से ही किया हुआ है वो ऐसे के जब ये अंडो की देखभाल कर रहे होते हैं तो ये अपने लीवर के थ्रू एनर्जी लेते रहते हैं जो कि इन्होंने पहले से ही स्टोर कर ली होती है इसके अलावा ये अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी स्लो डाउन कर देते हैं इसीलिए ज्यादातर फादर जॉफिश सर्वाइव करने में कामयाब हो जाती है